अंजड़। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान विवरेश्वर महादेव बड़े ही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। भव्य शिव डोला शोभा यात्रा विवरेश्वर महादेव मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाला गया। शोभा यात्रा में भक्तों के कंधों पर सवार आकर्षक डोले में भगवान विवरेश्वर महादेव नगर वासियों का हाल जान रहे थे। वहीं नगर भर में भक्तों द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में झाबुआ के प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य दल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं गुजरात दाहोद से आए नगाड़ों के दल ने आकाश गुंजायमान कर दिया था। शिवडोले में मुंबई की प्रसिद्ध गंधर्व म्यूजिकल ग्रुप के गायक कलाकारों ने अपनी सुमधुर आवाज में भगवान भोलेनाथ के भजनों पर भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। डोले में 3 DJ व 4 झांकियां मौजूद थी। शिवडोले का नगर भर में जगह जगह फलाहारी व्यंजनों व शीतल पेय के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बड़वानी गृह मंत्री बाला बच्चन सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने जुलवाना से रोशेश्वर धाम तक पैदल यात्रा कर भगवान शंकर के दर्शन किए। जगह जगह हुआ स्वागत। प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन पिछले 6 वर्षों से जुलवाना से रोशेश्वर धाम तक कांवड़ यात्रियों के साथ पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। आज भी बाला बच्चन ने जुलवाना से रोशेश्वर धाम की यात्रा की, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भी भाग लिया। बच्चन का जगह जगह जहाँ आमजन ने स्वागत किया, वहीं मुस्लिम जमात के द्वारा भी चौकी वाले बाबा की दरगाह पर स्वागत सत्कार किया गया। बाला बच्चन रोशेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। सेंधवा शिव शक्ति धाम गोईवाकी पर श्रावण सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। विदित हो कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं सेंधवा शहर में आजाद नुक्कड़ एकता संगठन द्वारा ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। सुबह विशेष पूजा अर्चना कर अभिषेक कर महाआरती कर भंडारा प्रसादी शुरू की गई, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। सेगांव सावन के अंतिम सोमवार को जय भोले युवा संगठन व शिव टेकड़ी मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में नगरवासियों के सहयोग से लोनारा रोड स्थित अति प्राचीन शिव टेकड़ी मंदिर से भगवान भोलेनाथ पूरे लाव लश्कर के साथ प्रजा का हाल जानने निकले। शाही सवारी में विराजमान बाबा का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। शाही पालकी का पूरे रास्ते भर पुष्प वर्षा से स्वागत कर महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। डोले में DJ पर भोलेनाथ के भजनों पर युवा जमकर थिरकते नजर आए। नम आंखों से कानबाई माता का किया गया विसर्जन, भक्तों ने दी विदाई। रात भर चला भजन कीर्तन का कार्यक्रम। ग्राम बलवाड़ी में कानबाई माता की स्थापना के साथ रात भर कानबाई माता के भजन कीर्तन किए गए और माता की आरती के साथ ग्राम बलवाड़ी में माता का विसर्जन जुलूस निकाला गया। विसर्जन जुलूस ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए अरुणावती नदी पहुंचा, जहां पर सभी भक्तों ने नम आंखों से माता को विदाई दी गई। ईद के मौके पर विचाराधीन बंदियों ने नमाज अदा की। आज सारे संसार के मुस्लिम समाजजनों के द्वारा ईद की नमाज पढ़ी गई। वहीं उपजेल सेंधवा में भी 8 मुस्लिम विचाराधीन बंदियों ने ईद की नमाज अदा की। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यवाहक जिला सदर हाजी मोहम्मद हुसैन खान एडवोकेट को जानकारी मिली कि सेंधवा जेल में 8 मुस्लिम बंदी निरुद्ध है। वह 12 तारीख को ईद का त्यौहार है, जिस पर उन्होंने जेलर वर्मा जी से नमाज के लिए निवेदन किया। उसी तारतम्य में आज जेल सेंधवा में 8 मुस्लिम बंदियों को ईद की नमाज मौलाना साहब के द्वारा अदा कराई गई।